हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, विद द न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स चाइना नियर ब्रेक थ्रू, ऐसा एक रिपोर्ट बता रही है। क्या है देखते हैं। अ सबमरीन आर्म्स रेस इज इंटेंसिफाइंग एज चाइना एम्बार्क्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आर एक्सपेक्टेड टू पोज अ चैलेंज टू ग्रोइंग यूएस एंड अलाइड एफर्ट्स टू ट्रैक देम। एनालिस्ट एंड रीजनल डिफेंस अटैचेस से एविडेंस इज माउंटिंग दैट चाइना इज ऑन ट्रैक टू हैव अ टाइप 096 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फॉर द एंड ऑफ द डेकेड। एंड ऑफ द डेकेड मतलब 2030 से पहले की बात हो रही है। विद ब्रेक थ्रू इन इट्स क्वाइटनेस एडेड बाय द पार्ट ऑफ रशियन टेक्नोलॉजी। तो रशियन टेक्नोलॉजीज को मिल रहा है, क्योंकि ये कैसे रशिया को सपोर्ट कर रहा है ये सबको पता है, और रशिया और चाइना के टाइज कैसे ग्रो हो रहे हैं ये भी सबको पता है। रिसर्च डिस्कस्ड एट अ कॉन्फ्रेंस इन मई इन द यूएस नेवल वॉर कॉलेज एंड पब्लिश्ड इन अगस्त बाय कॉलेजेस चाइना मेरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट प्रिडिक्ट्स दैट द न्यू वेसल विल बी हार्डर टू कीप टैब्स ऑन। द कंक्लूजन इज क्रेडिबल। अकॉर्डिंग टू द सेवन एनालिस्ट एंड द थ्री एशिया बेस्ड मिलिट्री अटैचेस द टाइप 096 आर गोइंग टू बी अ नाइट मेयर सेड रिटायर्ड सबमरीन एंड नेवल टेक्नीशियन इंटेलिजेंस एनालिस्ट क्रिस्टोफर कार्लसन वन ऑफ द रिसर्चर्स। दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। तो इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। द डिस्क्रीट एफर्ट टू ट्रैक चाइनाज न्यूक्लियर पावर एंड आर्म बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नोन एज SSBNs is one of the core driver increased deployment and contingency planning by US Navy and the other military across the Indo-Pacific region. The drive is expected to intensify when Type 096 enters services, but Type 094, which carry China's most advanced submarine launched JL-3 missile, are considered noisy and major handicap for military submarines. The paper note that the Type 096 submarine will compare to state-of-the-art Russian submarines in terms of seal, sensor and weapon. It said that the jump in capability would have a profound implication for US and Indo-Pacific allies. So, अब देखते हैं हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडो पैसिफिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक कौन सा जगह है, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, ये चाइना है, ये यूएसए है, ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको हो गया इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये चाइना, ये अपना इंडिया, ये आप देखिए ये यूएसए। तो ये वाला जो साउथ चाइना सी हो गया, फिलीपींस सी हो गया, ये आपका ईस्ट चाइना सी हो गया, ये फिलीपींस सी हो गया, यहाँ पे साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में। ये वाला जो इंडो पैसिफिक रीजन कह रहे हैं, ये एरिया इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है। तो इंडो पैसिफिक, अब इसके पास जो अभी सबमरीन है 094, वो कैसी है, नॉइजी है। ये क्या यूज ला रहे हैं, 096, वो कैसी है, वो बहुत ही स्टिल, जैसा हमने पढ़ा उसमें नॉइज नहीं है। कैसे है, रशियन टेक्नोलॉजी से बनी है। तो आप देखिए, यहाँ पे पूरे वाटर में वो ट्रेवल कर सकती है। ये आपका जापान है, ये आपका फिलीपींस है, साउथ चाइना में पूरा आसियान के पास, ये आपका ताइवान आ गया, और यहाँ पे इंडियन ओशन में हम जैसे देखते हैं बार बार वो लोग अपने यहाँ पे आके रुक जाते हैं। मालदीव्स के साथ उनके टाइज अभी देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। मालदीव्स में प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई है। तो अब देखिए, कहीं भी इंडो पैसिफिक में अब वो लोग प्रेजेंट हो सकते हैं, और यूएस लेके, यूएस के अलाइज, मतलब यहाँ पे जापान की बात हो रही है, इंडिया की बात, अलाइज तो नहीं है, मतलब पार्टनर, और बाकी सारे ये जितने भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन लोगों को कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा चाइना के 096 वाले आपके सबमरीन से। तो मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दिया। अब देखिए, 094
096, ये इसके तीन सबमरीन है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। अभी सबसे ज़्यादा इसके पास ये है, ये बनाएंगे किसके हेल्प से, रशियन टेक्नोलॉजी से। तो बस इतना ही हमारे लिए, ये टाइप है, ये टाइप मैं आपको बताना भूलिए, ये टाइप है, बस इतना ही इसमें हमारा रह रहा है इम्पोर्टेंट, कैसे ये इंडो पैसिफिक में हमारे लिए थ्रेट होते हैं, ठीक है, इंडिया से ले के यूएसए प्लस जापान प्लस आसियान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सबके लिए कैसे एक थ्रेट की तरह काम करेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।